इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो नए साल को लेकर रायपुर में बड़े पैमाने पर कई आयोजनों की तैयारी चल रही है। नए साल के स्वागत के नाम पर राजधानी में कई जगहों पर प्रशासन से अनुमति लेकर शराब पार्टी की जाती है, और ऐसे में इन पार्टियों में सूखे नशे की भी खूब खपत होती है, जिसे रोकने के लिए रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में विधानसभा के नजदीकी एक मॉल के पास ड्रग्स तस्करी करने की फिराक में दो युवतियों समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिनके कब्जे से लाखों रुपए के सूखे नशे का भी सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करके ड्रग्स तस्करी से जुड़े 2 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बेसिकली खुद यूज़ करते थे, इन लोग बताया कि हम लोग अपने खुद के यूज़ करने के लिए लेते थे, और 7 पैकेट इन लोगों ने लिया था, जिसमें 4 वो कंज्यूम कर चुके हैं और 3 पैकेट इनके पास से मिला है। और चलिए इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील सुधाकर लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, जैसे जैसे नए साल का जश्न पास आते जा रहा है, वैसे ही वैसे राजधानी रायपुर में नशे का जो सौदा है बढ़ते ही जा रहा है। जी चुन्नी, रायपुर की हम बात करें तो रायपुर आजकल जो है तो उड़ता रायपुर बना हुआ है। यहाँ पर नशे की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उपलब्ध ना हो। सरेआम गली मोहल्लों में नशे की चीजें बिक रही हैं, और इसका ये जीता जागता सबूत है कि जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, आप देख पा रही हैं मेरे पीछे, वो मॉल है जहां की वो घटना थी। यहां पर ड्रग्स के साथ 5 लोग पकड़े गए थे, उनमें से युवतियां भी शामिल थी, युवक भी थे। उनमें से 2 लोगों को हालांकि अभी पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन बाकी जो युवतियां हैं और जो युवक है वो भी पूछताछ उनसे चल रही है। और इसी मामले पर कल और 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 4-5 पैकेट से ज्यादा ड्रग्स बरामद किया गया। सूखा नशा हर जगहों पर बड़े पैमाने पर यहाँ पे खपाया जा रहा है। और बात अगर हम करें इस समय पर की, तो अभी नया साल आने वाला है, सिर्फ 3-4 दिन का समय बचा है 1 तारीख को आने को। उसके पहले रायपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग सक्रिय हैं, जो सूखे नशे को यहाँ पे खपाने की कोशिश में लगे हैं। पुलिस लगातार कोशिश भले कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आयोजन होते हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जिनकी परमिशन अभी पुलिस ने दे दी है। पुलिस से परमिशन लोगों को मिल चुकी है। उन सारे आयोजनों में नया साल मनाने सेलिब्रेशन के नाम पर रात भर शराब पार्टी चलती है। पुलिस हर साल गाइडलाइन जारी करती है, संख्या लोगों की बताती है। जब से खास तौर पर कोरोना की बात के समय की बात करें, इस दौरान से पुलिस लगातार संख्या को लेकर भी बात करती रही है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ आदेश और कागजों पर ही देखने को मिलती है। भले पुलिस सड़क पर खड़े होकर लोगों को पकड़ती है जो शराब पी के ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस बनाती है, लेकिन फिर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि VIP रोड जो इलाका है रायपुर का, उस इलाके में सबसे ज्यादा पब और सबसे ज्यादा ऐसी चीजें मिलती हैं। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी मॉल दिख रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब पीछे का इलाका जहां पर कुछ पेड़ दिख रहे हैं, वो जगह है जहां पर एक पब है, और वहां पर सबसे ज्यादा लिखकर जैसी चीजें जो है तो मिलती है। कई सारे सूखे नशे भी मिलते हैं वहां पर, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर एक्टिव रहते हैं। ये इसी मॉल के ठीक सामने वो लोग पकड़े गए थे, और इन्हीं का वो लिंक है जो बेमेतरा के रहने वाले लड़के हैं, उनमें से उनका बिल्डर है, अपने अलग अलग व्यापार है, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि सूखा नशा ऐसा होता है कि लोगों के बहुत कम मात्रा में रहता है और बहुत ज्यादा महंगा जाता है, और लोग इससे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और युवा वर्ग जो आजकल खासतौर पर रायपुर में लड़कियां और लड़के पबों में ज्यादा आना जाना हुआ है, लोगों को नशे की आदत ज्यादा लगी है, इसका फायदा उठा रहे हैं। और राजधानी बनने के बाद से जब 22 साल बीतने को है, ऐसे में सबसे ज्यादा खपत पूरे प्रदेश भर में रायपुर में होती है सूखे नशे की और अन्य मादक पदार्थों की, और यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से नए साल के आगमन के समय में पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती, हालांकि कार्यवाही तो वो कर रही है, ड्रग पैडर्स वो पकड़ रही है, लेकिन इस कार्यवाही के बाद भी एक बड़ी चुनौती है कि जब नया साल का आगमन होगा, उस वक्त में कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है शहर के इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपराधों को कम करने के लिए। इसी के लिए साथ बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।